इन बंधुओं जैसा आप सभी को पता है कि परसों का दिन रक्षाबंधन का दिन है। आप सभी के लिए हमारे लिए रूपनगर घंटाघर सब्जी मंडी राणा प्रताप बाग शक्ति नगर स्टेट बैंक कॉलोनी अशोक विहार प्रीतमपुरा रोहिणी प्रीत विहार निर्वाण विहार आपका सौभाग्य है बंधुओं इस कोरोना काल में आपको एक मंदिर का भव्य मंदिर का 1500 गज में जो मंदिर बनने जा रहा है उसका शिलान्यास करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है बंधुओं आज सुबह भैया बोल रहे थे कि मंदिर में दान करने का वो अभी बताएंगे आपको क्या क्या फायदे होते हैं वो आप सभी के समक्ष अभी आने वाले हैं मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि रक्षाबंधन तो है ही साथ में आप अपनी रक्षा एक यहाँ पर शिला लगा करके अवश्य कर लेना क्योंकि यहाँ जो शिला लगाएगा भगवान पासनाथ के चरणों में जो आएगा उसकी रक्षा भगवान पासनाथ करेंगे आपकी बहन आपके यहाँ राखी बांधेगी आपकी रक्षा होगी परंतु आप अगर यहाँ पर शिला लगाएंगे तो आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी बंधुओं आज का दीप प्रज्वलन हमारे बीच में श्रीमती रश्मि जी जैन सब्जी मंडी जिनके परिवार के द्वारा यहाँ पर पांच लाख ग्यारह हजार रूपए की राशि एक कमरा बनाने के लिए उनके पहले भाव एक लाख रुपए के थे बाद में बोला भैया कमरा कितने का है मैंने कहा जितने का आप चाहोगे इक, पांच लाख ग्यारह रूपए में मेरे परिवार की तरफ से दे करके और अपने इस कमरे में अपने परिवार का नाम उन्होंने लिखवाया ऐसी रश्मि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां मेरा उनसे निवेदन कि आकर के आज का दीप प्रज्वलन आप करें जय जिने बंधुओं जिन परिवारों के नाम आज यहाँ पर शिला में हमारे पास में आए आए हैं वो परिवार है एक लाख आठ हजार रूपये की राशि श्रीमान विनोद जी जैन परिवार रूपनगर परिवार की ओर से एक लाख आठ हजार रूपए की राशि श्रीमान संजय जी जैन गुप्ती सागर फिलिंग स्टेशन परिवार की तरफ से और जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिलाओं की राशिया ग्यारह हजार इक्कीस हजार व इक्यावन हजार दी गई है श्रीमान दिनेश जैन श्रीमती वंदना जैन पुत्र ऋषभ जैन भव्य जैन सौ नौ प्रीत विहार दिल्ली श्री विनोद जी पाटनी निर्मला जी पाटनी पुत्र हर्ष पुत्र पुत्रवधु याचिका गौरव धर्म पत्नी शिका पोत्र निर्भय नैतिक गुवाहाटी आसाम से श्री सुधीर जैन श्रीमती बीना जैन पुत्री भविका जैन अदिति जैन विदिती जैन अंबिका जैन ए टू गुरु गुरु रामदास नगर लक्ष्मी नगर दिल्ली परिवार की ओर से संजू देवी कंगवाल कलकत्ता परिवार की ओर से अनिल जैन सुनीता जैन पांच सौ सड़सठ सेक्टर तियालीस गुड़गावा अभिषेक जैन आशीमा जैन आराध्या समृद्धि पांच सौ सेक्टर तेयस गुड़गावा गौरव जैन परिवार की ओर से एक शिला अनिल जैन कमलेश जैन सचिन जैन भारत जैन एक शिला अनिल जैन सचिव जैन एक सौ आठ न्यू स्वास्थिक अपार्टमेंट एक शिला अभिषेक जैन श्रुति जैन बेटी चिन्मय आयान जैन ग्रेटर नोएडा परिवार की तरफ से एक शिला श्रीमान अमित चंद जी जैन सीमा जैन ए तीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट एक शिला बच्चीलाल जी जैन देवीलाल जैन गली नंबर छह भजनपुरा परिवार की तरफ से एक शिला धर्मेंद्र जैन सविता जैन सम्यक जैन परिवार की तरफ से एक शिला नीरज जैन श्रुति जैन आई सिक्स टू मानसरोवर गार्डन रामनगर की तरफ से एक शिला विनोद जैन स्वदेश जैन परिवार सेक्टर सात रोहिणी परिवार की तरफ से एक शिला अर्जुन जैन नेहा जैन सी नौ बटे चौसठ रोहिणी परिवार की तरफ से एक शिला ग्रीश जैन रजनी जैन बी चार बटे सतहत्तर रोहिणी परिवार की तरफ से एक शिला गौरव जैन पल्लवी जैन बी चार बटे सतहत्तर रोहिणी दिल्ली परिवार की तरफ से एक जिला विमल प्रकाश जी जैन शशि जैन डी ग्यारह बत्तीस सेक्टर रोहिणी सेक्टर आठ रोहिणी से एक जिला पंकज जैन रुचि जैन नित्यम जैन डी ग्यारह बत्तीस सेक्टर आठ रोहिणी से एक जिला गोल्डी जैन सपना जैन सी सात बटे उन्नीस रोहिणी परिवार की तरफ से एक जिला श्रीमान नेमचंद जी जैन निशी जैन सी सात बटे एक सौ नब्बे रोहिणी परिवार की तरफ से एक जिला पुनीत जैन शिल्पा जैन अभिषेक जैन परिवार की तरफ से एक जिला अनिल कुमार जैन मामा अनीता जैन परिवार की तरफ से एक जिला अंकुर जैन रीमा जैन बेटी अवनी जैन परिवार की तरफ से एक जिला मदन जैन पंकज जैन चिरंजीव वकील जैन निखिल जैन रानी झांची रोड ओल्ड गुप्ता कॉलोनी की तरफ से एक जिला श्री निर्मल जैन वरुण जैन सी चार बटे बयालीस रोहिणी परिवार की तरफ से एक जिला प्रवीण कुमार जैन मीनू जैन जेके फैसन कृष्णानगर परिवार की तरफ से एक जिला अमित कुमार जैन अन्नू जैन जेके पैसन कृष्णा नगर परिवार की तरफ से एक शिला श्रीमान विनोद जी वनीता जी जैन ऑप्टर ग्यारह हजार रुपए की एक शिला ग्यारह हजार रूपए की श्रीमान जयप्रकाश जी जैन मनीष जैन वरुण जैन रोहिणी सेक्टर अठारह एक शिला ग्यारह हजार रूपए श्रीमान राजेंद्र जी जैन कमलेश जैन दीपक जैन प्रशांत विहार परिवार की तरफ से ग्यारह हजार रूपए रविंद्र कुमार जी जैन प्रभाजी जैन मुखर्जी नगर परिवार की तरफ से ग्यारह हजार रूपए की एक शिला स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी जैन की पुण्य स्मृति में उनके श्रीमती सरोज जैन और समझ जैन फैमिली परिवार की ओर से रुपए की राशि की एक शिला मुनीष जैन अंकुर जैन जैन ऑस्ट्रेलिया सिडनी परिवार की तरफ से ग्यारह की शिला जैन परिवार की ओर से और भी हमारे पास सभी नाम आए हुए हैं काफी नाम और आए हुए उनके नाम हम कल सुबह सभी के बोलेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है और प्रवचन का समय शुरू हो चुका है मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि बंधुओं ये गोल्डन चांस इस कोरोना काल में आपको मिल मिल रहा है आप सभी अपने परिवार की तरफ से एक शिला अवश्य यहाँ पर लगा करके अपना नाम यहाँ पर अमर कर लेना क्योंकि आप सिला लिखवाएंगे आपका नाम यहाँ भगवान पार्शनाथ के चरणों में अमर हो जाएगा मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग शिला लिखवा करके अपना इस चरम आपको अवश्य कमाएं जय जिनेन्द्र हमारा सभी का निवेदन बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी के चरणों में कि वो अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे भ्या महामोहातंक प्रशमन पराकस भी के भी शक निरापेक्षो बन्धुर विदिति महिमा मंगलेकर शरण्या साधुनाम भव भय व्रताम उत्तम गुडो महावीर स्वामी नयन पते गामी भव तुमे महावीर स्वामी नयन फे गामी भव तुमे जय बोलिए विश्ववंद भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की संकट हरण पार्शनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय बोलियो उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय महानुभाव कल मैंने आपको सोच के विषय में कुछ बातें कही थी कि हमें अपनी सोच किस प्रकार बनानी चाहिए आज उसी सोच को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि अगर हमारा सोच अच्छा होगा तो विचार अच्छे आएंगे और इन सोच और विचार जिसको विचार विमर्श आप कहते हैं ये मन की उद्भूति है मन इनका जनक है दोनों बातें हैं एक बार तो मन को उनका जनक कहा और दूसरी जगह उनको पुत्र कहा मन के द्वारा ही सोच होती है और सोच के द्वारा ही मन उत्पन्न होता है मन बनता है तो हम आज ये बताना चाहेंगे कि हमारी सोच विचार ने हमारे मन को बनाया अब हमारा मन कैसा होना चाहिए जब वो अच्छा होगा तो हमारा आचरण भी अच्छा होगा हमारा मन खुली हवा में पड़े हुए जलते हुए दीपक के समान है आप जानते हैं यदि खुले आकाश के नीचे दीपक होगा तो क्या होगा चारों ओर से हवा के मंद तीव्र झोंके उसकी लौ को कंपायमान रखेंगे वह लौ अपनी प्रकाश शक्ति को विकेंद्रित कर देगी सब ओर फैला देगी और एक सीमित से क्षेत्र में उसका प्रकाश पहुंच पाएगा यदि हम अपने मन की शक्ति को एक दिशा देते हैं यदि हम अपने मन की शक्ति को किसी एक स्थान पर केंद्रित कर लेते हैं तो वो शक्ति प्रकाश पुंज बन जाती है और उस प्रकाश में आप पढ़ भी सकते हैं हिलते हुए दीपक की लो में आप पढ़ नहीं सकते लेकिन यदि स्थिर लो हो जाती है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं और यदि उस लो को और भी ज्यादा एक केंद्रित कर दिया जाए किसी शीशे के ऊपर तो वो आग भी उत्पन्न कर सकती है इसी प्रकार हमारा मन है हमारा मन बिल्कुल खुले आकाश के नीचे पड़े हुए दीपक के समान है जिसकी शक्तियां अनेक स्थानों पर केंद्रित होती जा रही हैं यदि हम अपने मन को एक सम्यक दिशा देंगे तो हमारा मन स्थिर होगा और स्थिर मन के द्वारा आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं आपने देखा होगा हाथ घोड़े को अश्व को आप अश्व के ऊपर सवारी कर रहे हैं आपके हाथ में उसकी बलगाए हैं और यदि आपने अश्व को सुशिक्षित नहीं किया है सुशिक्षित नहीं किया उसको चलने के अच्छे संस्कार नहीं दिए तो कितनी भी बलगाएं आप खींचते रहे लेकिन वो अशिक्षित उदंड अश्व आपको किसी ना किसी गड्ढे में कहीं ना कहीं पटक देगा किंतु यदि आपने उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है तो वह आपको आपके इच्छित और गंतव्य पर नियम से ले जाएगा यही बात हमारे मन की है यदि आपने मन को ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आदि के माध्यम से सत्संस्कारों के माध्यम से प्रशिक्षित किया है तो आप जहां भी बैठना चाहेंगे जो कुछ भी काम करना चाहेंगे आप कर सकते हैं और नहीं तो आपका चंचल मन आपको विक्षे भी उत्पन्न करेगा मैंने पढ़ा था मैंने सुना था मन की शक्ति के संबंध में कि हमारा मन अनेक प्रकार की शक्तियों से समन्वित है इसमें अपने आत्मा को केंद्रित करने की विचित्र शक्ति है, असंभव को संभव कर दिखाने वाला जीवन है मन के अंदर प्रचंड पौरुष विद्यमान है व्यक्ति यदि ये ठान ले तय कर ले कि मुझे ये काम करना है तो उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपके मन की शक्ति को अवरोध पैदा कर सके मैंने पढ़ा था हिमालय की चोटी पर एक योगी बैठा करता था उसके दरवाजे के पास एक छोटा सा लक्कड़ का टुकड़ा पड़ा होता था यदि वह चाहता तो हल एक छोटे से बालक को कह देता कि लक्कड़ हटा देना तो वह लक्कड़ को हाथ से बाएं हाथ से उठा के रख देता था और यदि वो चाहे कि कोई इस लक्कड़ को छू ना पाए तो बड़े से बड़े पहलवान भी उस लकड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते उठाने की बात तो बहुत दूर है एक इसका प्रभाव था हमारे अंदर ऊर्जित हुई जो ऊर्जा है संचित हुई जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को एकत्रित करने के बाद हमारे अंदर मन में जो सुदृढ़ता आती है उसका ही परिणाम है आपने कभी गौर से झरने को देखा देखा है गौर से झरने तो बहुत देखे होंगे आपने अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको तीन गुण प्राप्त होंगे उसमें से झरने में से तीन गुण में पहला गुणता है कि वह सतत प्रवाहमान रहता है निरंतर बहता रहता है बहता रहता है आप आओ तो रुकेगा नहीं आप जाओ तो रुकेगा नहीं राजा आए रंग आए कीट आए आए वो कभी अपनी ध्वनि को नष्ट नहीं करता अपनी ध्वनि को नहीं छोड़ता उसमें से जो संगीत निकलता है निकलता ही रहता है निकलता ही रहता है और झरना झुकने वाले को जल देता है उफन के पीने वाले की अंजुली में नहीं आता उसका जल झुकोगे तो अंजुली भरेगी पानी पी सकोगे तो जैसे किसी के आने पर किसी के जाने पर किसी के झुकने पर किसी के नहीं झुकने पर उस झरने की ध्वनि में बहाव में कोई अंतर नहीं आता उसके शील स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता उसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी झरने का ये गुण होना चाहिए कि कोई भी आ जाए आप नितिन जी से निवेदन करती हूँ कि वो आकर के कल के संबंध में परसों के संबंध में कुछ प्रकाश डाले चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की संत श्रोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज की महानुभाव एक बहुत बड़ा सौभाग्य आप सभी के बीच आया है और मैं अभी बैठा बैठा था और बैठे बैठे सोच रहा था कि 700 सौ मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग का निवारण अगर जी महाराज पूरे विश्व के संकट मोचन की बात करने जा रहे हैं इस सोने पे सुहागे का काम है मैं अभी पूज्य गुरुदेव के पास से चला आ रहा हूं सभी जगह मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं परसों आचार्य श्री ने एक बात कही थी मैं मैं आपके बीच में रखता हूं कोई भी शिला हो उन्होंने कहा यह सारी शिला सर्वतोभद्र शिलाएं कहलाती हैं और सर्वतोभद्र शिला का अर्थ यह होता है कि एक परिवार में पांच लोग हैं तो एक एक बच्चे के नाम से अलग अलग अपनी शिला रखना और इसका अर्थ यह है कि जो एक बार सर्वतोभद्र शिला रखता है उसको भद्र परिणामी होकर नियम से मुक्ति को प्रयाण करता है और हम चाहते क्या है भद्र परिणामी होना तो चाहते हैं समता परिणामों से जब हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा तो मेरे जीवन का उत्थान होना प्रारंभ हो जाएगा और जिनकी बात कर रहे हैं संकट मोचन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ उनकी तो कहना ही क्या है इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात बता दू कि संपूर्ण मंदिर बनवाना तो अलग बात है लेकिन सबसे बड़ा पुण्य का सौभाग्य उसका है जो न्यू का पत्थर बनता है क्योंकि न्यू का पत्थर वही बन सकता है जिसमें सहनशीलता होती है उसके बिना न्यू का पत्थर नहीं बना जा सकता और ये भी ध्यान रखना न्यू के पत्थर के बिना भवन का निर्माण भी नहीं होता मंदिर का निर्माण भी नहीं होता इसलिए पूरे मंदिर बनाने जितना पुण्य अगर कहीं लग सकता है तो वो मात्र शिलान्यास में एक शिला स्थापित करने का गौरव और सौभाग्य जो प्राप्त करते उनको लगता है ये राशि दिल्ली जैसी स्थान पे तो कुछ भी नहीं है ये तो हम लोगों जैसे बुंदेलखंड के छोटे छोटे गांव में भी जो मंदिर बन रहे हैं उनसे भी बहुत कम राशि आप ले रहे हैं और इतना बड़ा सौभाग्य आपको मिल रहा है बिल्कुल मत छूकिएगा जितने भी लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं चाहे दिल्ली में हो चाहे विश्व में जहां कहीं भी यह लाइव चल रहा है अगर आपको हमेशा हमेशा के संकटों से उबारने का काम करना है तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय में शिलान्यास में एक शिला अवश्य स्थापित करने का गौरव और सौभाग्य प्राप्त करें एक बात और कह दू चूंकि पूज्य उपाध्याय रत्नगुप्ति सागर जी महामुनिराज यहां विराजमान है हम लोगों ने बाबनगदा तीर्थ क्षेत्र पर एक संगोष्ठी की थी और उस संगोष्ठी में गोधा जी एक बात सामने निकल आई थी कि आज देख रहे हैं बहुजा संख्या में लोग घर गृहस्थी से परेशान हैं किसी का व्यापार नहीं चल रहा किसी का कुछ नहीं हो रहा इतना परेशान है तब वहां देश के जाने माने करीब साठ सत्तर विद्वान वहां पर पहुंचे जिसमें हसमुख जी भी थे पंडित जय कुमार जी निशांत आदि सभी लोग थे एक बात जब निर्णय कर कर आई कि ये काल सर्प दोष क्या होता कुछ नहीं होता जहां तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर का निर्माण हो अपने शरीर से लगी हुई कोई भी वस्तु सोने या चांदी की जो छह महीने तक हमने पहन ली हो उसको मंदिर के शिलान्यास में डाल लेना उस दिन से तुम्हारा काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा किसी से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि काल सर्प दोष को निवारण करने वाला अगर कोई है तो मात्र पार्श्वनाथ भगवान और किसी में कोई ताकत नहीं है इसलिए इनमें मत फंसिए तीर्थंकर परमात्मा संकट मोचन चैतन्य चमत्कारी के पावन चरणों में आकर शिलान्यास में एक शिला अवश्य रख लेना आपकी सारी कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे पक्की बात समझ लेना बहुत समय चुकी कम है मैं पूज्य श्री को निवेदन करूं उसके पूर्व 22 तारीख को यह बहुत बड़ा सौभाग्य आप सबको मिलने वाला है जहां रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सब मना रहे हैं अभी गोदा जी कह रहे थे सभी बेटियां अपने अपने घर पर मायके में पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद बस इतना ही करना कि रक्षाबंधन में तो हमने भाई और बहन का त्यौहार मान लिया कि बहन ने भाई की कलाई पर हाँ राखी बांधी तो वो भाई बहन की रक्षा करेगा लेकिन यहां तो पार्श्वनाथ भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं पूरे परिवार के नहीं पूरे विश्व की रक्षा करने वाले हैं और अगर आपने एक शिला उस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस भावना हेतु तो डाल दी कि भगवान अब अन्यथा शरणम नास्ती तुम्हें भाभी अब और कोई सहारा नहीं है एक आप ही सहारा है आप मेरी रक्षा करें इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बाबीस तारीख को सबसे निवेदन करता हूं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर एक हाथ से अपनी शिला स्थापित करने का गौरव और सौभाग्य प्राप्त करें जय जिने ये थे हमारे बीच में नितिन भैया जिनके द्वारा यहां पर संपूर्ण कार्यक्रम आने वाली बाईस तारीख को कराएंगे कहते हैं जब जंगल में आग लगी थी एक चिड़िया चौथ में पानी लेके जा रही थी लोगों ने कहा चिड़िया की चौंथ के पानी से क्या आग बुझने वाली है क्या चिड़िया ने बोला मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा आग लगाने वालों में नहीं होगा बंधुओं आप सब भी देख लेना इस मंदिर के निर्माण में आप अगर शिला लगाएंगे तो आपका नाम मंदिर बनाने में होगा मंदिर खराब करने में नहीं होगा इसलिए आप सभी से निवेदन है कि छोटी हो बड़ी हो राशि की चिंता नहीं करना एक एक परिवार यहाँ पर जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं अपने परिवार की शिला अवश्य लगा करके इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान जरूर देना अब हम सभी का निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में त्रै नमोस्तु करते हुए कि हे गुरुदेव आप अपनी वाणी से हमें धर्म लाभ देकर के और आने वाली बाईस तारीख के बारे में भी सभी को बतला करके इस मंदिर का जो भव्य सिन्स हो रहा है उसके बारे में आप हम सभी को धर्म लाभ देवे भोज पयो धर्म योगी कल्प नामी देव संभ्रांता बृसध्वज शांति संभ्रांत सत्शाति सुसुदारण देवंद प्रह पुष्यानरत्नक्रिय जय बोलिए विश्वबंद चंद्रप्रह भगवान की जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की धर्म स्नेह बंधुओं बहुत ही गौरव के क्षण हमारे आपके जीवन में एक ऐसा नया इतिहास लिखने को जा रहे हैं जो शायद अब तक लिखा नहीं गया उसे लिखने के लिए बुद्धि दिल से लिखेंगे तो दीपक जलाना मुश्किल होगा और प्रफुल्ल दिल से इतिहास लिखा जाता है तो हमेशा जलता ही रहता है रोशनी देता रहता है मनुष्य का शरीर मिला और हम थोड़ी ऐसी कोई जीवन की बेहतर डिजाइन करें जो आज तक आप कर नहीं पाए सोचा तो बहुत बार कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो पड़ोस क्या दूर दूर के लोग ना कर पाए हो विदेशों में भी ऐसा कोई काम ना किया हो वैसा मैं काम कर गुजरूं, लेकिन जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा भीतर से तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता आप लोग सब यहां मौजूद हैं कि आपका केवल शरीर यहां मौजूद है अगर आपका केवल शरीर मौजूद है आपका मन उपस्थित नहीं है आपकी दृष्टि यहां पर नहीं है तो आपका जीवन शमशान की तरह है। इस शमशान की राख है आप कोई भी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते कामयाबी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हमेशा जिंदा दिल होना चाहिए मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं जो आदमी जिंदा दिल है वह व्यक्ति ही इतिहास रच सकता है एक मरा हुआ आदमी सोचता है कि नहीं मैं तो लाल किले पर एक ध्वज फहराना चाहता हूं झाड़ू मारने का उसको अवसर नहीं मिल सकता है प्रधानमंत्री देश का आज जीवंत है जिंदा दिल है और विश्व के लिए संदेश दे रहा है यशस्वी भारत का प्रधानमंत्री और आप सब सोचते में ही प्रधानमंत्री बन जाओ। एक पुरानी कहावत है हर्रा लगे ना फिट करी रंग चोखा हो जाए हमें कुछ ना करना पड़े और सबसे पहली पंक्ति में मेरा नाम आ जाना चाहिए जो आदमी ऐसा सोचता है उससे कमजोर कोई आदमी नहीं हो सकता है यदि उसका मन उताल तरंगे लेता है प्रसन्न रहता है तो भी संभावना है लेकिन जिसका मन मुर्दे की तरह है वो महात्मा नहीं बन सकता है आग लगा सकता है दीपक नहीं जला सकता वो गोदा साहब छोटी सी बात कह गए क्या कह गए मैं तो आग बुझाना जानता हूं आग लगाना नहीं जानता हूं और आज आग लगाने वाले लोगों की देश में कमी नहीं है वो तालिबान ने भी दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है जैसे अमेरिका पीछे किसका? आज तो आप ताक लगाए बैठे हुए हैं कब यहां से श्रावक श्रेष्ठी और संत निकले और मैं अपना कब्जा कर लू आपको तो बसियत में सब कुछ मिला हुआ है जब आपको मिला हुआ है बसियत में तो आपको बहुत ही दिल को विशाल बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही शांत भाव के साथ उसको मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट हो गया तो चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं अभी दिल में भी कहीं चोर बैठा है क्या अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो साबित करता है कि आदमी अभी कुछ और भी कामना रखता है मैं आपसे थोड़ी सी तपस्या के संबंध में जिक्र करना चाहता हूं शेष रही जिंदगी को मन बाणी शरीर तीनों तपा लेना चाहिए जो आदमी मन बाणी और शरीर के लिए डायरेक्शन सही देता रहता है वह आदमी संसार में यशस्वती होता है इसलिए मन को प्रसन्न रखने की कला आपके हाथ में होना चाहिए मन को प्रसन्न रखने की कला वही सीखता है जो कल पर नहीं आज पर जीता है थाली में आई हुई वस्तु को देख के मुस्कुराता है सामने मिलने वाले व्यक्ति से आंख मिला करके गुलाब की तरह खिलता है और आज तो नफरत का गुल गुल्दस्त, गुलदस्ता लेके लोगों से हाथ मिलाने की बात चल रही हमको भीतर से प्रसन्न होना है और भीतर से प्रसन्न होना ये मन की तपस्या है यदि एक एक व्यक्ति की वीडियो से पिक्चर ली जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि पार्श्वनाथ की तरह आप सस्मित मुस्कान दिए आप तो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे रात महाभारत हुआ हो या जीवन से तंग आ गए हो और सोच रहे होंगे कि बस कोई मुझे यहां से ले ले उठा ले अपनी गाड़ी में ले जाए महान व्यक्ति तो वही है जिसके चेहरे पर बालक की तरह मुस्कान हो बालक जब छोटा होता है तो चेहरा उसका देखने लायक होता है लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे चालबाजियां आप सिखला देते हैं और उस बालक के चेहरे की मुस्कान चिंता में बदल जाती है मनुष्य का मन प्रसन्न नहीं है भाव शांत नहीं है ओ बच्चा पल भर में शांत हो जाता है पल भर में रोने लग जाता है लेकिन जैसे उसके भीतर फिर लहर आती है और आंसू पहुंचे बिना ही मुस्कुराने लग जाता है और आप ऐसे लोग हैं एक बार गांठ बांध लें, तो मरते दम तक बदला लेने का प्रस्ताव खारिज नहीं हो पाता है शांत तो भाव रखिए और शांत भाव उसी व्यक्ति के हो सकते हैं जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न है जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं है वो तो हरदम संदेश भाग की तरह निर्देश देने में लगा ही रहता है जरा सी दूर से आवाज आती है और वही निर्देशक बन के खड़ा हो जाता है हमें निर्देशक नहीं हमें भगवान के चरणों में अपनी आस्था का स्तंभ खड़ा करना है हम कहीं हैं, हैं इस बात का एहसास कराने के लिए ही यहां एक अभियान छेड़ा जा रहा है लेकिन वह अभियान तभी चल सकता है जब आप प्रति प्रश्न करने की आदत को छोड़ दें अर्थात कम बोलना सीखें आप चाहते हैं गुरु आज्ञा दे आज्ञा दे दे के पहले आपके भीतर रहता है वो कुछ कहें और मैं पहले तैयार हूं पिता कुछ बोले और हम उसका एक्शन ने रिएक्शन करें उस आदमी के लिए जिंदगी में उजास नहीं भर सकता है हम मन को शांत रखें कम बोलना सीखें और आत्मसंयम आत्मसंयम का क्या मीनिंग है आत्म संयम का मीनिंग है जो हमारा मोमेंट हो चलने का उठने का बैठने का सोचने का वो बिल्कुल शांत सरोवर की तरह हो जब आदमी नदी की तरह दो तटों के बीच चलता है या यूं कहिए बहुत भीड़ हो इंडिया गेट के पास और बड़ी गाड़ी आपने पहली पहली बार ली है तो बहुत आत्मसंयम के साथ ड्राइव करते हैं ये ढाई करोड़ की कार कहीं टकरा ना जाए आत्मसंयम बहुत रखते हैं आत्मसंयम हम जब जब अरिहंतों के संतों के पात बोल में होते हैं तब भी आत्मसंयम की जरूरत है आत्मसंयमी व्यक्ति ही भावों की पवित्रता को रख पाता है बाहर से बड़ा सुंदर मॉडल है लेकिन भीतर से कैसे है? काले बाहर का मॉडल बहुत सुंदर है भीतर का मॉडल काला है भीतर का मॉडल भी ठीक हो बाहर का मॉडल भी ठीक हो दोनों जब ठीक होते हैं, तो ही फिर हमारा भाव शांत और शुद्ध होता है मैं आपसे कहना चाहता हूं भावों की पवित्रता भी एक तरह की तपस्या है हमेशा अपने भावों को एक स्वच्छ सुंदर बनाए रखने की आदत व्यक्ति भी बड़ी मुश्किलों में कर पा रहा है क्योंकि उसका संयम मिर्जापुरी है अभी है दूसरे पल में वह ढीला होता दिख रहा है एक कलयुग है जवानी में आदि व्रत लेता है और बुढ़ापे में उसके हिलने डुलने लगते हैं हाथ पैरों की तरह से संयम के अंग उसे अपने को स्थिर बनाने के लिए आज पुरुषार्थ करना है जैसे मंदिर का फाउंडेशन रख के नी के पत्थर में स्थायित्व दिया जाता है उसी प्रकार जैन धर्म की ध्वज हाथ में लेने के लिए अपने मन को स्थिर करने की जरूरत है भावों को पवित्र जिसने जितना बनाया है वह व्यक्ति उतने शीघ्र मुक्ति के सोपान चढ़ पाया है भगवान ऋषभ देव के लिए मोक्ष जाने में बहुत समय लगा लेकिन उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के लिए बहुत अल्प समय लगा और उसी प्रकार से उनके छोटे भाई भरत के बाहुबली के लिए थोड़ी मशक्कत करना पड़ी लेकिन उन जैसा आदमी तो कोई एक दो तीन चार पांच नजर ही कुछ नहीं आता लेकिन हम दम्भ उनसे कम नहीं भरते बाहुबली को इतना ही मन में अभिमान था मन था मान था कि मैं भाई की भूमि पर खड़ा हूं लेकिन आपको परेशानी में भाई की भूमि को दबा नहीं पाया और मर गया कब्जा नहीं कर पाया कोशिशें बहुत की मन की पवित्रता कहां है भावों की पवित्रता और आप बिल्कुल जैन कहने से चूकते नहीं अब तो इसलिए बहुत सारे जैनों ने जैन लिखना बंद कर दिया है कि जितने काले काम हैं वो जैन ना लिखते हुए करते रहें। भीतर से ब्यूटी पॉरल की तरह फेस अच्छा लगना चाहिए ऐश्वर्य राय की तरह सुंदर दिखना चाहिए वो अपने आप को सजाने संवारने में हृदय मान के साथ उद्दत रहता है और जब अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है तो पूरी कोशिश होती कि मैं अच्छा लग रहा हूं ना दर्पण में अपने चेहरे को देख लेता वो तो कहता हां अब मैं ठीक हूं तो बाहर चलता हूं वरना थोड़ा और सजा देख लेता हूं और रह जाता है तो डेफिनेटली पिन लगाना कागज लगाना कलर लगाना जो भी आपके लिए सुटेबल है कर डालते आपको ये एहसास नहीं होता मैं किसी महापुरुष के चरणों में जा रहा हूं तो कैसे जाना चाहिए जो महापुरुष को पसंद हो उसके अनुसार जाना चाहिए आप अपनी पसंद से जाएंगे तो वहां खारिज हो जाएगा केश लड़की दिखाने को जाना है और सामने वाला एक अच्छा व्रति या शांत परिणामी है और उसके आगे कोई बंबई स्टाइल में नाश्ता कूसता उछलता पहुंचे तो कैंसिल कर देगा प्रस्ताव भाई मुझे तो आदमी जिंदगी भर दुखदाई हो जाएगा हमें अपने तरह का शांत आदमी चाहिए अगर थोड़ा काला है तो भी चलेगा ज्यादा गोरा है तो भी चलेगा लेकिन ये जो स्टाइल है मॉडर्न हम भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में जाएं और हिंसा के साधनों से आप्लाबित शरीर को लेप करके चले तो कैसे आपको जिंदा दिल्ली की अनुभूति होगी मैं नहीं समझता आप किसी भी राष्ट्रीय राजधानी में रह सकते हैं लेकिन आपका मन शांत हो इसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है इसकी घोषणा एक कुटिया के अंदर हो सकती है लेकिन राजभवन में नहीं हो सकती है क्योंकि आपके मन की भावों की पवित्रता का अंदाज कोई नहीं लगा सकता है भावों की पवित्रता का अंदाज उसके कार्यों से लग जाता है उसके फेस से भी लग जाता है आइए हम मन की तपस्या के बाद थोड़ा सा इस शरीर के संबंध में भी जानने की कोशिश करें शरीर के संबंध में जानने का मतलब है हम अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पित करें हम इष्ट देव के चरणों में पहुंचने के बाद अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। समर्पित करने का मतलब है जैसे छोटा बच्चा एकदम माँ की गोद में गिर जाता है अब उसे नहीं मालूम गिर रहा हूं कि सिर्फ फूटेगा कमर में चोट लगेगी पैर में क्या होगा कुछ भी अंदाज नहीं सीधा मां के आवाज आया और यू गिर पड़ता है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मंदिर आए पार्श प्रभु के चरणों में और सीधे पार्श प्रभु के चरणों में गिर जाए गिरते हैं क्या गिरते ही नहीं गर्दन भी नहीं झुकती गिरना तो बहुत दूर की बात है गर्दन भी नहीं झुक रही गाय का बछड़ा अपनी मां के चरणों में चिपक जाता है लेकिन ये बछड़े ये बछड़िया भगवान के चरणों में कहीं लिपती हुई नजर नहीं आती लोग अपने अपने चिंतन प्रस्तुत करते हैं लेकिन भगवान के चरणों में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती चली जा रही है अपने इष्ट देव के चरणों में हमें अपने को समर्पित करना है महानुभाव उसी प्रकार शिष्ट मनुष्य एक अच्छा नैतिक आचरणवान व्यक्ति हम आप सभी के लिए पसंद है एक अच्छा आचरण वाला व्यक्ति ही पसंद रहता है उसी प्रकार हमारे जीवन में जब कोई गुरु मिल जाता है वितराग निर्ग्रंथ तो बच्चे की तरह अपने को हैंड ओवर कर देना चाहिए कितनी भी देर को सही एक घड़ी आदि घड़ी आधी में पुनियात जितना भी समय हो गुरु के चरणों में अपने को चांदबाजियों की बात नहीं करना जो चालबाजी करते आते उनको देख के लगता है कि नरक की भूमि पर खड़े हुए लोग हैं और अपनी डस्टबिन की गंदगी यहां लेकर के सारा दूषित माहौल करने की ये मशक्कत कर रहे हैं ऐसे लोगों को दूर से दूर रखने की जरूरत है क्योंकि नरक की गंदी मिट्टी से एक कण भी अगर प्रभावित हो गया तो ही कटना पड़ेगा या पूरा शरीर काटना पड़ जाएगा बड़ी गंदी मिट्टी है नरक की इसलिए हमें अपने देव को देख करके मनुष्य शिष्ट मनुष्यों को देख करके और गुरुओं को देख करके उनके प्रति सम्मान की भाषा बोलना चाहिए आज तो आदमी कहते मेरा घुटना दुखता है मैं कैसे अपने अरंदे के चरणों में पडूं मेरी दुख कमर फटी जा रही मैं गुरु के चरणों की कैसे वंदना करूं भगवान करे कमर फूटी पूरी नहीं फटी फूटी घुटने थोड़े बचे हुए हैं और नरकों में तो तिल तिल कर ही देख के खंड असर भेड़ा में दुष्ट प्रचंड तिल तिल शरीर हो जाएगा आज तो आप भगवान के लिए गर्दन भी नहीं झुका पा रहे जो लोग अपने आप को इष्ट के देव में भेंट नहीं कर पाते हैं उन मनुष्यों की शरीर से कोई तपस्या नहीं मानी जाती है। ज्ञानी जनों का सम्मान करना भी सीखना चाहिए थोड़ा हमसे ज्यादा समझदार है तो भी हमें रिस्पेक्ट दे देना चाहिए यह हमारा कर्तव्य हो एक जमाना था आप बस में चलते थे और कोई सफेद बाल वाला बूढ़ा व्यक्ति दिख जाए और वो देर से भी आया है तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाते थे और कहते थे पिताजी बैठिए ना बेटा तू बैठ बेट। नहीं पिताजी नीचे बैठ जाऊंगा चाचा जी नीचे बैठ जाऊंगा मैं लेकिन आज नई उम्र का लड़का अगर सीट पर बैठा है और तीन बुढ़े खड़े हैं कैसे गांधी जी के बंदर की तरह तो भी उनके लिए उसके दिल में कोई श्रद्धा का द्वार नहीं खुलता है इसी से तो मन उसका परेशान है उस वृद्ध की दुआएं मिलती तो आपके जीवन में शायद गुल खिलता लेकिन आपने दुआओं की जगह दुश्मनी बढ़ाई इसलिए मैं कहता हूं जनों का सम्मान शरीर की पवित्रता अब बिना नहाए ही सत्संग में चले आए या नहाया भी तो आपने हिंसक केमिकल्स शरीर में लगा लिए बहुत सारे खुरई मध्य प्रदेश में स्थान है वहां एक सेठ जी की हार हुआ और उनके शरीर कोई परफ्यूम्स लगा लिए तो जाते ही इतनी सुगंध से नाक बेचैन हो गई मुझे वहां से वापस आना पड़ गया क्यों भाई आपके शरीर की शुद्धता ही नहीं है नासिका ही परेशान हो रही है आप जब कभी अरयंत और संत के चरणों में आए शुद्ध तो जल से देह को वाश करके चलने की आदत डालें यहां वहां की चीजों के साथ लिप्त होकर के ना आए देखिए एक और शब्द है सरलता जितना शरीर हमारा सरल होगा उतना ही हम अपने आराध्य के चरणों तक पहुंचेंगे एक शब्द आता है ब्रह्मचर्य शरीर का तप है संयम की साधना ब्रह्मचर्य की आराधना और अहिंसा ये सब शरीर के द्वारा मेरे चलते समय कोई चीटी पर पैर न गिर जाए मेरे बोलते हुए किसी व्यक्ति का आहत न हो जाए दिल ऐसी भावना रखने वाला शरीर से तपस्वी हो जाता है और अंतिम मैं एक दो बात और कह के अपने उद्बोधन को विराम दे देता हूँ दूसरों को उद्विग्न ना करने वाला सत्य मैं तो सच बोल रहा हूं लेकिन सामने वाले आदमी के दिल में आग लगा दिया आपने मैं सच कह रहा हूं सच का झूठ ही है दूसरे के दिल को ना दुखाना सच था लेकिन दूसरे को दिल को दुखाया ये झूठ है चिड़िया मरी है अथवा जिंदा है यदि आप बहलिया से कहेंगे चिड़िया जिंदा है तो गर्दन दबा देगा और जिंदा है तो छोड़ देगा आपको साबित करेगा मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन जिंदगी में सच वही है जिससे किसी जीव के प्राणों का घात ना हो महानुभाव और ज्यादा क्या कहूँ प्रिय और हितकारी शब्दों को कहना चाहिए और आत्मा को ऊंचा उठाने वाले ग्रंथों का अध्यन करके अपनी वाणी को सार्थक करना चाहिए ये नहीं कुछ भी कहानी लेकर के बैठ गए एक बहन जी कहती थी कहानी सुनाया करो गुरु जी हमारे तीर्थंकर तो कहते हैं सात तत्वों को समझो और जो हमारे जीवन को लाभान्वित करने वाली बात है उस पर अंदाज दे करके जरा मनन करो एक कहानी सुनते 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 कौन सी सास बहू की अब तो कहानियां शायद बंद हो गई होगी अभी भी फिर भी लोग चुलबुले लोग अपने मोबाइल पर आनंद ले लेते होंगे सारी कहानियां बंद करके तीर्थंकरों की वाणी का अमल करें वही हमारे लिए सार्थक है महानुभाव परसों जो आने वाला दिवस है रक्षाबंधन राष्ट्रीय मैत्री दिवस महामुनियों की रक्षा का वह पल उसमें आप निश्चय ही अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करें और अपने प्रकारस लोभ को छोड़ दें ये भैया जी कह रहे थे ना कि हम तो बुंदेलखंड में देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिलाए बड़े विशाल चित्र से लोग रखते हैं और आप यहाँ रहने वाले इतने नेरो माइंड होते चले जा रहे हैं ये तो बड़ा सुंदर नहीं लग रहा है वो तो गांव ही अच्छे थे जहां लोगों का दिल खुला था यहां तो सड़कें चौड़ी हो गई दिल बंद हो गया ढक्कन लग गया अरे कोई इतना गिरा थोड़ी है गिरा नहीं है लेकिन दिल गिर गया गर्मी के कारण मुरझा गया मौसम भी अनुकूल हो जाएगा जब आपका दिल अच्छा हो जाएगा इसलिए आप बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही अच्छे भाव से प्रबंधक कमेटी से अपनी सिलाएं उपलब्ध कर लें और ब्रह्मचारी भैया तो बड़ी वीर रस्म दो चार बात आपको कह के गए हैं अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप भी उन जैसे वीर हो जाओ और 22 तारीख को विश्व मैत्री के दिवस के दिन बड़ी वीरता के साथ सिला लगा के अपने जीवन को सलामत रखने के लिए कोशिश कर लो ये मत कहो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता जो कहे मैं कुछ नहीं कर सकता उम्र भर कुछ नहीं कर पाएगा है ना जो कहे मेरे पास कुछ नहीं है उम्र भर के लिए झोली साफ हो जाएगी जो कहे मेरे पास तो बहुत है उसके पास बहुत हो जाएगा जो मूस माँ दूसरों को खाना खिला के खुश होती है उसके यहाँ भंडार भरता रहता है और जो माँ कहती मेरे पास तो कुछ नहीं मैं पड़ोसी के बच्चे को क्या दे सकती हूँ उसके पास शाम तक जीरो हो, हो जाता है तो आपके पास भी शायद कुछ नहीं होगा अरे इतने में तो आदमी हाथ पांव की चूड़ियां निकाल के गले की सोने की माला देख करके भगवान परसनाथ के मंदिर को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ी हुई थी किसी जमाने में लेकिन आज तो सोचती हम अपनी चैन भी ले जाएंगे मंगल भी ले जाएंगे हार भी ले जाएंगे नौलखा हार भी ले जाएंगे कहा निगम बोध घाट वहां से लोग लौटा लाएंगे मैंने सुना था एक महिला जाते जाते शरीर से अचानक चली गई शरीर फूल गया और बड़ी डायमंड की अंगूठी थी अब क्या करूं अंगुली काटना पड़ गई मोह नहीं छूटा लेकिन छीन लिया गया आप मोह छोड़ लीजिए और अपने भावों को उच्च स्थान दे दीजिए इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए पार्सनाथ भगवान की जब उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की